कैसे पैदा होती है? उस संत को धाने जा रहे थे नदी में, उन्हें कहते तू मेरे साथ चल दोनों नहाएंगे। तो उसने मेरी बात का जवाब तो दे दिया और नदी में अलग निराल मिल जाएगा। लेकिन संतों की जीवन शैली बड़ी उचित होती उसको ले। संत हट्टे कट्टे थे, वो आदमी थोड़ा दुबला, दोनों उतर गए और उन्होंने कहा लगा डुबकी। और जैसे उसने डुबकी लगाई उन्होंने उनकी गर्दन अंदर ही दबा दी। संत गया वो अंदर आदमी दौड़ के अरे निकालो निकालो, और उन्होंने निकल नहीं दिया जो बिल्कुल प्राण ऐसे हो गया। अचानक उसने ताकत लगाई और एकदम संत बलवान थे पर उनका हाथ हटा के बाहर निकल आया। तो बाहर निकल के बोला भाया मैं कह रहा था भगवान कैसे मिलेंगे और तुम नहीं। तो हमने कहा बेटा भगवान कैसे मिले, तू इतना दुबला पतला है पर तेरी जानों पे आई तो तूने मेरा हाथ हटा के धक्का देके पानी से बाहर निकल आया। जिस दिन संसार को हटाने की इतनी ताकत आ जाए तेरी जिंदगी में भगवान मिल जाएंगे। संत कहता है भगवान इतनी ताकत के बनाई जान में बनाई तो आदमी बाहर आ जाता खोल फाड़ के। जब तक परमात्मा को सर्वस्व अपनी जान निछावर नहीं करे इससे कम में सौदा नहीं होता। ये बड़ा महंगा सौदा होता है। इस सौदे में खुद को लगाना पड़ता दांव पे, ऐसे नहीं होता। भगवान आपको अपने सौंपना पड़ेगा और भगवान को अपन कैसे सौंपे इसका माध्यम गुरु होता है। परमात्मा ने गुरु बनाए इसीलिए, वो आपको शक्ति को ललन को तरफ पैदा करने की ट्रेनिंग देते। आदमी के जीवन में महत्व था विश्वामित्र जी के, और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम के जीवन में सीता जी का प्रवेश कराया, दायित्व बोध कराया। आइए जब भगवान को वनवास हुआ, भगवान जब 14 वर्ष के वन के लिए निकले तो भगवान ने पूरे वनवास के क्रम में तीन लोगों से तीन प्रश्न पूछे। आपको राम कथा ध्यान होगी, देखिए भगवान श्री राम के आचरण से गुरु का महत्व देख रहे हैं। और तीन संत थे और तीनों से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और हमें बता रहे हैं जीवन में कि गुरु के प्रति क्या हो सकता। जैसे भगवान चले भगवान के मार्ग में सबसे पहले भरद्वाज ऋषि का आश्रम आया। भरद्वाज जी से पूछा मैं किस मार्ग से जाऊं। उसके बाद वाल्मीकि जी मिले तो पूछा मैं कहां रहूं। उसके बाद अगस्त जी मिले तो पूछा राक्षसों का विनाश कैसे करूं। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में राम सप्रेम कहे मुनि पानी नाथ कहे हम के मग जाने। क्या सुंदर बात, भगवान राम सप्रेम कहे मुनि पानी, बड़े प्रेम से मुनि से पूछ रहे हैं। और क्या बात पूछी, गुरु से ये बात पूछी जाना चाहिए नाथ कहे हम के ही मग जाने। हम किस मार्ग से जाएं, भगवान श्री राम भरद्वाज जी से हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि आप बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं। क्योंकि भगवान बार बार ये कहते हैं आपके बिना, आपकी दिशा के बिना गुरु बिना भव निधि करै न गुरु जो बिरंजी संकर सब। गुरु के बिना ता नहीं सकते। आपका जीवन का मार्ग कौन सा हो, किस मार्ग से आप पहुंच सकते हैं भगवान के पास। तो आज श्री राम ये प्रश्न पूछ रहे भरद्वाज जी से। अच्छा एक बात देखिए, उल्टी बात कभी कभी लगती है भगवान की लीला भी कैसी है। पहले आदमी मंजिल तय करता है कि आपका गंतव्य क्या है, आपको जाना कहां है, मार्ग पूछता है। तो भगवान की मंजिल तो तय नहीं थी वनगमन में कहां जाना है, पर मार्ग पहले पूछ लिया। तो व्यवहारिक स्थिति तो यह है कि हमको इंदौर जाना है, बड़ौदा जाना है, तो एक जगह तय हो जब तो मार्ग पूछे। मार्ग काटा पूछे, आप किसी से पूछेंगे मुझे मार्ग बताइए तो कोई पहला प्रश्न ही पूछेगा कहां का मार्ग बताऊं भाई। लेकिन भरद्वाज जी से सीधे पूछे मार्ग बताइए। व्यवहारिक जीवन में पहले मंजिल तय की जाती है फिर मार्ग होता है, पर आध्यात्मिक जीवन में मंजिल पहले से ही तय होती है और वो होती परमात्मा तक पहुंचना। इसलिए भगवान ने कहा मंजिल तो मेरी वही है, आप तो मुझे मार्ग बताइए। गुरु मार्ग बताता है। अब भगवान श्री राम ने एक और बात हमें जानकारी दी कि जीवन में मार्ग किससे पूछा जाए। मेरी तरह कौन ऐसा संत गुरु है जो आपको मार्ग बताए। तो भगवान तीन अलग अलग संतों से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं।
भरद्वाज जी से इसलिए मार्ग पूछे हैं कि भरद्वाज जी प्रयाग पे रहते थे और प्रयाग मतलब त्रिवेणी का संगम, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यानी ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम है। तो भगवान कहते हैं उस गुरु से मार्ग पूछना चाहिए जिसके पास ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम हो। कुछ लोग केवल ज्ञान बताएं, कुछ लोग केवल भक्ति बताएं, तो भगवान कहते हैं जिसके भीतर त्रिवेणी जमीनी हो वो मार्ग बता सकता है। इसलिए भगवान भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं, नाथ कभी हम कहीं मग जाएं। एक बात और भगवान कहते हैं, भरद्वाज जी की एक और विशेषता थी, वो निराभिमानी थे, अहंकार भक्ति का दुश्मन है, गुरु में तो अहंकार होता ही नहीं है। और भरद्वाज जी निराभिमानी थे, कितने निराभिमानी थे कि आपने रामकथा में सुना भरद्वाज जी के आश्रम में जब याज्ञवल्क्य जी आए, रामकथा भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच भी हुई थी, याज्ञवल्क्य जी को पैर पकड़ के रोक दिया कि आप मुझे रामकथा सुनाए, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को रामकथा सुनाई। अपने आश्रम में कोई संत आए, उसको रोका, प्रणाम किया और कहा मुझे आप रामकथा सुनाओ, और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के जानते तो आप हैं लेकिन मेरा मान रखने के लिए सुन रहे। तो भरद्वाज मुनि बसहुं प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा, जाग भजित मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, उनको रोक के उनसे रामकथा सुनी। ये है विनम्रता, ये महानता है, जो आज इस महानता विनम्रता और कृपा के दर्शन हम भी कर रहे हैं कि महाराज जैसे महान व्यक्ति मुझ जैसे छोटी वाणी से राम कथा सुन रहे हैं, ये मेरे लिए ये महानता है, ये विनम्रता है। आज इन्हीं के रूप में हम भरद्वाज जी के दर्शन कर रहे हैं। एक बार गुरुदेव को नमन करते हैं, जोरदार करतल ध्वनियों से हम अपनी उपस्थिति का यहाँ आरंभ। एक तो जब भी अच्छा लगे कोई प्रसंग जीवन में जुड़े, ताली जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने का भी महत्व है। एक तो ताली बजाते समय आपको ये ध्यान आ जाता है कि आप कहाँ और काहे के लिए बैठे। बहुत सारे लोग कथा सत्संग में थोड़ी देर भूल ही जाते हैं काहे के लिए बैठे, दुनिया भर का चक्कर काट के यही नहीं बैठे लग रहा, अब पता थोड़ी लग रहा है क्या हो रहा, पड़ोस को पता नहीं लग रहा बैठे बैठे कहाँ घूम रहा है, कथा की कथा भी नहीं जरा। ऊपर ऊपर तो चला राम कथा का दौर, और काम कथा भीतर चली न चर्चा न शोर। ताली बजा के रहेंगे तो आपका शरीर आपको याद दिलाएगा कि भैया यहाँ बैठे, क्योंकि कथा सत्संग तो ऐसा ही होता है, कथा मनुष्यों पे जितनी कृपा करती है, एक कृपा ये करती है कि किसी को नींद आने की बीमारी है तो कथा में ठाक बड़े बड़ों की बीमारी दूर हो गई, कथा में आदमी सो जाता तो मजा नहीं लगता। हम तो देश दुनिया में कई जगह घूमते हैं, हमारे कुछ परिचित लोग रहते हैं, एक बार एक सज्जन मेरे साथ थे, उन्होंने आयोजन किया और बोले मैं 3 दिन से आयोजन कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो मैंने कहा आप मेरी कथा में भी इतने दिन थके हैं तो आपको तो नींद आ जाएगी, और बोले आपको जाएगी। तो मैंने कहा फिर बोले मैं आप खोल के सोना भी जानता, पता थोड़ी लगेगा किसी को, तो कई लोग आप चले को नहीं सुझा सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भगवान की कथा में बैठे तो सिर्फ भगवान की कथा सुनिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमात्मा जानता है आप क्या कर रहे हैं। यदि आपने भगवान की कथा में बैठ के भगवान की बात नहीं सुनी तो आपके जीवन की व्यथा में फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। परमात्मा की कथा में परमात्मा को ध्यान सुनिएगा। आइए हम चर्चा कर रहे हैं भरद्वाज जी की विनम्रता की। भगवान भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान उनको नमन करने के बाद अब वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश कर पहला प्रश्न भरद्वाज जी से पूछा, मार्ग बताइए। अब वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा था रहने का स्थान बताइए, तो भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। देखिए वशिष्ठ जी ने जीवन के सिद्धांत दिए, ज्ञान दिया, दायित्व बोध और व्यवहार दिया विश्वामित्र जी ने,
अपनी गंतव्य मंजिल पे पहुंचने का मार्ग बताया उनको, भरद्वाज जी ने। और अब रहने का स्थान का मतलब आपकी जीवन शैली कैसी हो, कैसे आप रहे, अब वाल्मीकि बता रहे, गुरु भी बताता है आप कैसे रहे। आपने कथा सुनी होगी राम कृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी युवा थे, रामकृष्ण परमहंस जी को जो बोध अनुभूति होती थी, पर रामकृष्ण जी बोल नहीं पाते थे, वक्ता अच्छे नहीं थे, लेकिन अनुभूतियों के स्तर पर बड़े थे। विवेकानंद जी वक्ता बहुत अच्छे थे, बार बार विवेकानंद जी रामकृष्ण जी से बोलते थे समाधि घटा दो, मेरी समाधि घटा दो। रामकृष्ण जी ने कहा तेरी समाधि घटेगी, उनको लगती समाधि, और समाधि लगती ऐसी तीव्र समाधि लगी कि जब किसी की समाधि घटती है तो समाधि में जो विचार करे वो दूसरा वैसा सोचने लगे। तो विवेकानंद जी को समाधि घटी, तो विवेकानंद जी युवा थे, कम अनुभवी थे, जोश में थे, उनका मेरी समाधि घटी तो अब मेरी समाधि से मैं दूसरों को नियंत्रित कर लूंगा। तो एक कालू नाम का उनका परिचित था व्यक्ति, वो भगवान की बहुत पूजा तस्वीर रखता था, बहुत सारी तस्वीरें। विवेकानंद जी कहते इतनी सारी तस्वीर क्यों निकालो, कभी निकालता नहीं, लेकिन समाधि घटी तो उन्होंने समाधि के प्रभाव से कालू के मन में प्रभाव डाला कि तू तस्वीर हटा दे, और कालू के मन में प्रभाव आया और कालू ने अपने कमरे से सारे भगवान की तस्वीर बाहर की, और जैसी बाहर की तो रामकृष्ण परमहंस उधर से गुजरे, उन्होंने कहा ये कालू क्या कर रहा है, ये तो कभी तस्वीर हटाता नहीं, उसने कहा कालू ये क्या बात, उसने कहा नहीं अब कुछ नहीं, कितने सारे भगवान रखते क्या करूंगा। अरे कभी परमहंस जी ने बोला ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे भीतर कोई और बोल रहा है। उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने कहा ये तो विवेकानंद नरेंद्र बोल रहा है। तत्काल गए, कमरे का दरवाजा खोला और एक चपत करा के एकदम विवेकानंद जी की समाधि को भंग कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है तू, समाधि दूसरों के दुरुपयोग और दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं हो सकता, समाधि दीजिए करना, मैं तुझे कहीं और ले जाना चाहता हूँ, समाधि से बाहर निकल, तुझे दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम करना है, यदि तू इस तरह से समाधि में डूब जाएगा तो संसार को जो मार्ग दिखाना है वो तो बाहर निकल के दिखाना है। समाधि को अनुभव करो और बाहर के दायित्व को पूरे करो। विवेकानंद जी वो कर सकते थे जो रामकृष्ण परमहंस नहीं कर सकते, परमहंस को बोध था इसलिए उन्होंने बाहर निकाला। गुरु अपने शिष्य को उसका दायित्व बताता है, और रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को विवेकानंद बना दिया, नहीं तो समाधि होगा। इसलिए गुरु तरह तरह से हमको मार्ग बताते हैं, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं, भगवान वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछते हैं कि आप मुझे बताइए मैं कहां रहूं, ये बहुत जरूरी है, जीवन की कौन सी शैली कैसे रहे, अस जी जानी कही सोई ठाम। मैं आपसे वो मार्ग पूछ रहा हूँ, स्थान पूछ रहा हूँ, सी सौमित्र सहित जहां जाऊं, मैं सीता और लक्ष्मण के साथ जहां चला जाऊं आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए। और सच बात है गुरु से भी पूछ लेना चाहिए कि हम कैसे रहे, क्योंकि हम लोग तो गलत फहमी में ही रहते हैं। संसार के लोग, एक गांव वाला घोड़े पे बैठ के जा रहा, उस राज्य का राजा वेश बदल के निकला करता, उधर से जंगल में राजा भी कहीं अकेले आ रहा था शिकार के लिए, वही उससे गांव वाला जा रहा, अचानक दोनों ने एक दूसरे को देखा तो राजा ने सोचा इससे पूछे कौन है क्या है, ये प्रजा का व्यक्ति है, तो पूछे क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, बोले राजधानी में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो, बोले राजा के दर्शन करूंगा। तो उस राजा ने बड़ी दार्शनिक कहानी ध्यान से सुनिएगा, उस राजा ने उस आदमी से पूछा तू राजा को कैसे पहचानेगा, राजा को जानता है क्या, क्योंकि राजा ने देखा है तो मेरे को तो पहचानते ही, बोले राजा को जानता तो नहीं, बोले फिर कैसे पहचानेगा। तो उस गांव वाले ने अपनी अकल से जवाब दिया कि बहुत सारे लोग जिसको सलाम कर रहे होंगे वो राजा, तो मैं समझ जाऊंगा। राजा ने कहा ये भी ठीक है, बोले चल अपन दोनों ही चलते हैं। और दोनों जैसे ही घोड़े पे बैठे और एक साथ राजधानी में प्रवेश करते हैं तो लोग अचानक राजा को देखकर सबके साथ सलाम करने लगे, और सबके साथ सलाम करने लगे तो गांव वाले ने देखा कि ये क्या हो रहा है, उसको लगा मुझे ही सलाम कर। तो उसने उस आदमी से राजा से पूछा कि एक बात बताओ राजा तुम हो क्या मेरे, क्योंकि ये सब तो मुझे ही सलाम कर रहे हैं। बस ये हमारे जीवन का सच है,
हम राजा होते नहीं, वो राजा समझने लोग दूसरा लोग एक बार आदमी को सलाम करे जरा मान मिला तो अपन ही राजा हो, सबसे बड़ा राजा वो बैठा। बस ये गांव वाले की तरह हम भूल न करना है अपने जीवन में। अगस्त जी भगवान को एक बात बता बड़ी बारीक सुनी। भगवान ने पूछा मैं रहूं कहां, अगस्त जी बता रहे रहने के लिए दो स्थान है, मनुष्य दो स्थानों पर रहता है, एक उसका मन होता है दूसरा उसका चित्त होता है। आप अपने मन में रह रहे हैं कि अपनी चेतना में रह रहे हैं, ये दो बातें तय करके चलिए। 99% अवसर पे हम अपने मन में रहते हैं, तभी तो मन के उपद्रव, मन के सोच, मन के कहने से, मन के विचारों में डूबे। जो अपनी चेतना पे टिक जाता है, जो अपनी चेतना में रहता है, मन एक अंग है शरीर का, पर चेतना हमारी आत्मा है, हमारी निजता है, हमारा होना है। इस अंतर को गुरु कृपा से, प्राणायाम से, साधना से जाना जाता है। आप जान जाएंगे मन और चेतना का अंतर। तो उन्होंने कहा आप कहां रहे, तो उन्होंने ये नहीं कहा मन में रहे, क्योंकि मन का अर्थ संसार, संसार का दूसरा नाम ही मन है। हम अपने मन को टटोलिए, मन को कितना आनंद आता है। पुरानी बात सोचने में या भविष्य की बात, मन वर्तमान में नहीं देखता। मन का भोजन क्या है, विचार। आप कभी कभी खाली बैठते देखेंगे तो ऐसे उपटांग विचार आएंगे, क्योंकि मन को तो खाने की आदत, और जैसे मन को सुलाया आपका ध्यान लग जाए। मन का नियंत्रण बड़ा मुश्किल है, छोटे बच्चे की तरह उपद्रवी होता है, उपद्रवी बच्चा होता है, उसे एक चीज और दूसरी से लेता, ज्यादा ले तो तोड़ फोड़ कर देता, और ज्यादा करो तो रोने चिल्लाने लग जाता। मन बिल्कुल ऐसा ही होता है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं आप राम रहना चाहते हैं जीवन में, तो मैं आपको एक स्थान बताता हूँ, चित्रकूट गिरी करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट नाम के गिरी पर्वत पे आ रही है, और बड़ी प्रतीकात्मक बात है, शब्द लिखा है चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत बताया। चित्रकूट का अर्थ क्या होता है, चित्र को जहां कूटा जा सके। चित्रकूट की कई कई भाषाओं में एक परिभाषा ऐसी, वाल्मीकि जी से जब भगवान ने रहने का स्थान पूछा, तो वाल्मीकि जी ने पहले तो 15 स्थान दूसरे बताए भगवान, पहले तो 15 स्थान बता दिए, यहाँ रहो, वहां रहो, कहाँ रहो। तो भगवान को उन्होंने बताया कि जिसके कान समुद्र की तरह भगवान की राम कथा सुने ऐसे गहरे हो, जिसकी आंख से वह परमात्मा को देखे, जिसकी जीवा हंसनी की तरह सच झूठ का भेद कर दे, जिसके हाथ उठे तो केवल परमात्मा की पूजा में उठे, जिसके चरण उठे तो तीर्थ में उठे, भगवान के दर्शन करे, जो ऐसा हो वैसा हो आप उसके हृदय में रहिए, ऐसे 15 स्थान बताए। भगवान सुनते रहे, फिर वाल्मीकि जी को लगा कि ये स्थान तो थोड़े कम लग रहे हैं, तो भगवान को उन्होंने और 31 स्थान बता दिए कि जो आदमी काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर से दूर हो उसमें रहिए, जिसमें राग द्वेष न हो उसमें रहिए, जो छोटे बड़े का भेद न करे उसमें रहिए, जो स्वर्ग नरक को न माने उसमें रहिए, जो सुख दुख में समान रहे उसमें रहिए, जो प्रशंसा और निंदा को अलग अलग करके माने उसमें रहिए। और भगवान को जो 31 स्थान बताया, तो भगवान भी कंफ्यूज हो गए, ये क्या कर रहे हैं, आपने बहुत सारे स्थान बता दिए, कहाँ रहूं। तब वशिष्ठ जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जाही न चाहिए कभी कछु तुम सन सहज सने हो, बसो निरंतर तासु मन सो राउर निज के। कितनी सुंदर बात है, आप भगवान जाही न चाहिए कभी कछु, जिस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने हो, जिसको आपसे सहज प्रीति हो। भगवान का आप कैसे रहिए, बसो निरंतर तासु मन, हे भगवान उसके मन में निरंतर रहिएगा, सो राहुल निज देव, वो आपका निज स्थान होगा। वाल्मीकि जी ने घोषणा की भगवान आज तक वहीं रहते हैं, किनके हृदय में रहते हैं, जो ये कह देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू दे देगा तो करोड़ों की संपत्ति मंजूर है, और तू नहीं देगा तो 10 दिन भूखे रह जाएंगे और तेरे बिना नहीं रहेंगे, वो भाव जीते। तब भगवान कहते हैं, भगवान किसके हृदय में रहेंगे, तब वो कहते हैं जाही न चाहिए कभी कुछ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान हे श्रीराम तुम उसके हृदय में रहना। इसलिए भगवान कहा है, वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट में, फिर अंत में उन्होंने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप चित्रकूट में रहिए, ये चित्त हमारा जो है इसको आप जितना कूटेंगे
ये चित्रकूट हो जाए, ये तो चित्रकूट है, और चित्रकूट वो जगह है ना सारे क्यास साथ भगवान रुक गए भगवान। बड़ा प्रेम लगता है जिस दिन आप अपने चित्त को कूट के साधना के माध्यम से गुरु कृपा से चित्रकूट बना लिए, भगवान को यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती, भगवान वही के वही फिर जाते, भगवान फिर कहीं नहीं जाते, भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। और हम अपने चित्त को चित्रकूट बनाए, तो वाल्मीकि जी से क्यों पूछा रहने का स्थान, देखिए वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है, और रामायण का अर्थ क्या होता है, यदि आप शब्द विच्छेद करें तो राम धन आयन, आयन मतलब रहने का स्थान, तो राम के रहने का स्थान वही बता सकता है जिसमें रामायण रची है, भगवान वही पूछ रहे हैं कि आप बताइए। देखिए इससे क्या पूछ रहे हैं भगवान, तो गुरु रहने का स्थान जीवन शैली बताता है कि ऐसे हो जिसका जीवन चित्रकूट है उसका दांपत्य विश्व की, हमको अपने परिवार को चित्रकूट बनाना चाहिए, हमें अपने घर को चित्रकूट का रूप देना चाहिए, चित्रकूट भगवान को बहुत पसंद है, भगवान सब जगह है, भगवान केवल उधर पैदा हुए, जनकपुर से जानकी को लेके आया, उनका ससुराल था, लंका में रावण को मारने गए पर भगवान कहीं नहीं टिके, पर तुलसीदास जी ने लिखा है चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनाए, भगवान यदि कहीं छाए हैं तो सिर्फ चित्रकूट में छाए, बाकी सब जगह रहे, और रहने और छाने में बड़ा फर्क है, जर्रे जर्रे में